हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका गूगल बिजनेस का अकाउंट है और वो अकाउंट पे अगर आपने मैसेजिंग एक्टिवेट किया है, कोई आपको मैसेज करता है गूगल बिजनेस पे, तो उसे रिप्लाई आप वेबसाइट के थ्रू कैसे दे सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जो है वो उसके थ्रू कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल बिजनेस में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आप वही अकाउंट यूज करिए जिस अकाउंट से आपने गूगल बिजनेस अकाउंट बनाया है, जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल बिजनेस अकाउंट बनाया है। और वो करने के बाद में यहाँ पे मैसेजिंग करके ऑप्शन है, मैसेज करके ऑप्शन है, जिस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मैसेज पे क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ मैसेज वो दिखाएगा जो जो लोगों ने आपको भेजा है आपके पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसेज है जिसमें एक इंडिविजुअल ने मुझे पूछा है कि आई वॉन्ट टू नो इज देर एनी वैकेंसी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ कि प्लीज शेयर योर रिज्यूम ऑन कॉन्टैक्ट एट द रेट एक्यूनिटी .com। अभी ये रिप्लाई जब भी मैं करूंगा तो इनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा और वो देख सकते हैं कि मैंने क्या रिप्लाई किया हुआ है। अगर आपके जो मैसेजेस आते हैं आपको गूगल बिजनेस के थ्रू, उसका रिप्लाई आप इंस्टेंटेनियसली देते हैं, तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। मतलब गूगल प्रमोट करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके गूगल बिजनेस पेज पे आता है तो वो उसे आपका मैसेजिंग का जो फीचर है वो हाईलाइट करे और आपको मैसेज करने पे लगाए। अगर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद में गूगल बिजनेस ऐसा करेगा कि जो आपका मैसेजिंग का फीचर है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। आप मेक श्योर करिए कि जब भी आपको कोई मैसेज डालता है तो आप उसका रिप्लाई पक्का करें और मेक श्योर करें कि टाइमली मैनर में करें, जिससे आपका जो गूगल बिजनेस का मैसेजिंग का जो फीचर है वो डिसेबल ना हो। तो इस तरीके से आप आपके गूगल बिजनेस के अकाउंट पे जो मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि जो आपका मैसेजिंग फीचर है वो डिसेबल ना हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।